प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से लंच के बाद मैं पीएल शेखर मालिक इस्लाम मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट से आपको रवा तबसरा सुनाने के लिए मौजूद हो रहा हूं। ये रवा तबसरा आपकी खिदमत में मालिक इस्लाम मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के जानिब से पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं फॉरबिसगंज वर्सेस सुल्तान नगर केएमएस क्लब के बीच आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें राजेश सिंह के दमदार 115 रन की बदौलत फॉरबिसगंज एमएससीसी ने 206 रनों का लक्ष्य रखा है सुल्तान नगर केएमएस क्लब के सामने। उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद गोविंदा और गुंजन। अपने मुंबई से आई प्रोडक्शन टीम जो YouTube चैनल पर आपको दिखला रहे हैं बड़ा ही साफ सुंदर तस्वीर HD क्वालिटी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने घर की माताओं बहनों का सैल्यूट कि आप यहां पर आकर प्रोग्राम देखती हैं, कार्यक्रम देखती हैं। ये अंपायर से नजरें मिलाइए, स्कोर मैच शुरू होता हुआ। टिप्पू की पहली गेंद की खबर ली है, शानदार छक्का निकला है, पहली गेंद 6 रन के लिए। और यहां पर घूमते हुए यह छक्का लगा है, विकेट का पतन हुआ, विकेटों के बीच में पकड़े गए, गलत गेंद। और इन्हें अब वापस पेविलियन जाना होगा, गुर्जर को पता है कि मैं आउट हो चुका हूं, अब मुझे मन से वापस पेविलियन। सारे दर्शकों की निगाहें बिग स्क्रीन की तरफ जम गई हैं, क्योंकि रिव्यू लिया है गुर्जर ने। आउट, पहला झटका लगता हुआ गुजर ने। गेंदबाजी भी अच्छी की थी रवि झा ने, आज दो सफलताएं अर्जित की और नंबर 3 के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में आए हैं। थोड़ी देर हवा में गेंद लहराई थी, बहुत अच्छी फील्डिंग, शॉट लेते ही खेल दौड़ चुके थे रवि झा, एक रन पूरा किया, आते के साथ अपना खाता खुला, रनों का आंकड़ा कुल इस सिंगल के जरिए 7, एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए कुल 206 रन चाहिए सुल्तान नगर केएमएस की टीम को। आप देख रहे हैं मलिक इस्लाम मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, सुल्तान नगर केएमएस वर्सेस एमएससीसी फॉरबिसगंज के बीच। फॉरबिसगंज की टीम के कप्तान राजेश सिंह के शानदार 115 रनों की बदौलत फॉरबिसगंज ने 206 रनों का लक्ष्य दिया है सुल्तान नगर के सामने। खुद लेग स्लिप पे चले गए हैं, जिन्हें आप शॉर्ट फाइल लेग भी बोल सकते हैं। जाने दिया विकेट कीपर के हाथों, विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, पैकपट पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। चार गेंदें डाली गई हैं, दो गेंदें शेष। जी बिल्कुल, हालांकि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, चूंकि एक विकेट अभी गिरा है, इस लिहाज से वैसे गेंदों को भी सम्मान देना पड़ेगा जिस पर चौके या छक्के लगाए जा सकते हैं। तो खामोशी से ये ओवर संपन्न होता हुआ, एक ओवर
सात रन एक विकेट के नुकसान पर केएमएस सुल्तान नगर का कुल स्कोर है। कवर्स एरिया में हल्के हाथों से पुश किया था रवि झा ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्टीयर किया हल्के हाथों से, जब तक लॉग ऑन के क्षेत्र रक्षक दौड़ कर आते दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। राजेश सिंह थे फील्डर, सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल आठ को चूमता हुआ। धीरे धीरे रन बन रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एक बड़े बल्लेबाज का अभी अभी आउट होकर वापस पवेलियन जाना। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी गेंदों पर अपने विकेट बचाना। आखिरी वक्त में बल्ला नीचे किया, बैकलिफ्ट विन की लो थी, और अमूमन आजकल हमने देखा है कि टेनिस गेंदों में लो बैकलिफ्ट के साथ लोग खेलते हैं। अच्छी गेंद, बल्लेबाज के हरकतों को पकड़ा विशाल सिंह ने, और उन्हें प्रतीत हो गया कि भैया अगर लंबी गेंद डालेंगे तो ये छक्के के लिए भेजेगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेंथ गेंद डाल दी, लंबी गेंद का यही हश्र होता है, चौका निकल गया, मोस्ट नीडेड फोर। ऐसे वक्त में चौके की आवश्यकता होती है। एक दर्जन रन बने हैं, 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। जो देर से आए दर्शक हैं, मैं बता दूं बल्लेबाजी हो रही है सुल्तान नगर के मिस क्लब की। पहले क्रॉस द लाइन आए थे बल्लेबाज बाएं हाथ के, गोविंदा है, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, ऑल राउंड परफॉर्मेंस से कई दफे गोविंदा मेरी नजरों के सामने मैन ऑफ द मैच हुए हैं। और पिछला रिकॉर्ड तो शानदार रहा उनका, 3-4 साल पूर्व 4 ओवर 4 मैडन 4 विकेट प्राप्त किए थे गोविंदा ने। और एक और इतिहास आज बना है, स्क्रीन पर देखिए मैं दिखा रहा हूं राजेश सिंह का शतकीय पारी खेली है, 12 छक्के 5 चौके, शानदार 115 नाबाद लौटे थे पवेलियन। नया ओवर, चीफ गेस्ट एंड की तरफ से टीटू ऑन द राइट, शॉट खेलना बड़ा ही टफ होता है टेनिस बॉल में, कलाइया भी मुड़ी थी और जानबूझकर खेला गया शॉट था ये एक्स्ट्रा कवर की जानिब। एक रन मिलने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को, स्कोर चला गया 13, एक विकेट का पतन हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है सुल्तान नगर केएमएस की टीम, जीतने के लिए 206 रन चाहिए। टीटू तीसरा ओवर, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जिसे आप ग्रामीण भाषा में बोले तो जड़ में मारी थी इस गेंद को। आखिरी वक्त में अपने विकेट को बचाया गोविंदा ने, गोविंदा पहुंचे 5 पर, रवि झा खेल रहे हैं 3 पर, हाकड़ा रनों का कुल 14, एक विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है फॉरबिसगंज एमएससीसी की तरफ से, कोच है भास्कर सिंह, नन प्लेइंग कैप्टन भी मैं उन्हें मान सकता हूं। उल्टॉस बनाते हुए गेंद को दिशा दिखाई गई, एक्स्ट्रा कवर की जाने क्षेत्र रक्षक मौजूद, चहलकदमी करते हुए एक रन लिया, सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 15 को छूता हुआ, 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रोग्रेसिंग नाउ थर्ड ओवर, टी20 को सफलता मिली थी पहले ओवर में, और लीजिए बिल्कुल एक यहां पर
लिए है रिव्यू लिया गया और यहाँ पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अंपायर का इशारा नॉट आउट था और सारे खिलाड़ी देख रहे हैं टेक्नीशियंस की तरफ, बिग स्क्रीन की तरफ कि फैसला क्या होता है। एक आवाज तो अवश्य आई थी लेकिन वो गेंद लगी कहां से, ये देखना दिलचस्प। इंतजार करते हुए सारे खिलाड़ी और फैसला क्या हुआ है। मंगल से जा रहा नॉट आउट का इशारा अंपायर का। स्कोर एक बार फिर से ध्यान से देखिए, बिग स्क्रीन पर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर को लिए तीसरी डाली जा रही है और जैसे चार ओवर संपन्न होंगे मैं आराम करने जाऊंगा, आएंगे अमीरुल इस्लाम। अभी तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई साथी का साथ मिल जाए और इतने अच्छे साथी मुझे मिले हैं अभी। बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली गई, फिर से एक डॉट बॉल, अच्छी फील्डिंग, पूरा दबाव बना रखा है फॉरबिसगंज के एमएससीसी की टीम ने और इसी के साथ तीसरी ओवर संपन्न हुई है। 3 ओवर 15 रन एक विकेट के पतन के पश्चात कितना दबाव है कि 5 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से डाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। गेंदबाजी एक्शन में चौथी ओवर अपनी टीम की तरफ से और अपना पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सल्लू। सल्लू सुरेंद्र और फील्ड की पोजीशन जमावट एक बार फिर से ध्यान से देखा जाए कि रवि झा के लिए कौन सा चक्रव्यूह बुना है गेंदबाज ने। विकेट कीपर सहित देखिए, एक स्लिप है, एक लेग स्लिप है, दो दो स्लिप, एक लेग स्लिप जिसे आप शॉर्ट फाइन लेग बोलते हैं, दो स्लिप हम दाएं बाएं लगा दी गई। वाह, डॉट 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 बॉल। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है बंधु, स्कोर मात्र 15 रन एक विकेट के नुकसान। हवा में गेंद और मस्ट नीडेड फोर, बिल्कुल ऐसे चौके की जरूरत थी। अब्दुल रहमान चौका, ये लगा अब्दुल रहमान चौका, सॉरी ये लगा अब्दुल रहमान चौका। अब्दुल रहमान फिर चैंपियन, हर चौका पर अब्दुल रहमान चौका। अच्छा शॉट है, बहुत ही अच्छा शॉट है, काफी देर के बाद बार बल्ले पर गेंद आती तो अवश्य एक लंबा छक्का डिप में विकेट के ऊपर में दिखाई पड़ता, लेकिन वही बात, पुरानी कहावत की गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 23 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल ही चौथी फेंकी जा रही है। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं सोलो शैलेंद्र। तेज गेंद, गेंद में गति थी, अच्छी फील्डिंग यहां पर, हालांकि पहले दफे में अगर बॉल हाथों में आती तो कोई खतरा शायद पैदा कर देते बल्लेबाजों के लिए। 24, दो दर्जन रन जीतने के लिए प्यारे दोस्तों 206 रन चाहिए। ओवर नंबर चौथी फेंकी जा रही है। रवि खेल रहे हैं अपने कुल 13 के निजी योग पर, जबकि गोविंदा का स्कोर 5 पे अटका हुआ। काफी देर से गोविंदा को स्ट्राइक नहीं मिला था, अब स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं। और इसी के साथ लीजिए यहां पर
सुल्तानगढ़ के मिस क्लब की टीम लक्ष्य बहुत बड़ा है, 206 रन बनाने हैं जीतने के लिए, और उनके तीन चोटी के बल्लेबाज विश्राम में पेवेलियन करते हुए नजर आ रहे हैं। नवी झाकड़ी एक्शन में गेंदबाज सनी यादव, गेंदबाजी एक्शन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी नवी झा के कंधों पर। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, पहली गेंद पर रोटेशन किया है, पिछला विकेट जो गिरा था उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, रोटेशन नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ छक्के के इंतजार चौके के इंतजार में थे, और ऐसे में जब आप गूथेंगे नहीं सिंगल के जरिए, राजेश जी को देखिए 12 छक्का 5 चौका था, लेकिन सिंगल भी लेते थे बीच बीच में वो, और शतकीय पारी खेलने के लिए सिंगल का होना नितांत आवश्यक होता है। हल्के हाथों से पुश किया है गेंद आती जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए इस सिंगल के जरिए, रनों का आंकड़ा चला गया कुल 56 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
शुरुआत ही थोड़ी खराब हुई थी सुल्तान नगर के एम्स की। गति परिवर्तन था, तेज दौड़ लगाते हैं गेंदबाज, और ऐसे में अगर डिलीवरी उनकी होती है कंधे में ऊपर से हल्के हाथों से दोनों उंगलियों के सहारे छोड़ देते हैं तो उन गेंदों को परखना पड़ता है बल्लेबाजों को, और ऐसे पारखी बल्लेबाज हैं रवि झा। पुष्किया इस ओवर को बखूबी आराम से खेल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह बल्लेबाज जब अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाता है तो साधना में बिजी हो जाता है, रत होता है, डॉट खेलता है, ये साधना कर रहे हैं, आवश्यक है ऐसी बातें क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिहाज से। और देखिए ये उछाला है और फायदा मिलता हुआ कॉन्सेंट्रेशन। कई गांव के जो बिगड़े हुए संबंध रहते हैं वो सुधर जाते हैं किसी बड़े आयोजन में, तो इस आयोजन के लिए, इस कार्निवाल के लिए मैं सैल्यूट करता हूं बुलबुल खान को। खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जो दिल कहो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो हमारी महफिल में आए। आप सारे जो प्यारे दर्शक आते हैं आप महफिल की आन बान शान है, और देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं हैंडसम डैशिंग बुलबुल खान को, इन्हीं का ये आयोजन है। और इजहार के सामने होंगे रवि झा, और हवा में गेंद, संरक्षक गेंद के नीचे और लेंगे एक और झटका लगता होगा। इजहार ने इजहार कर दिया अपनी जीत का, बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा गया था, इसे आप ध्यान से देख रहे हैं पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा गया था। माजी एक्शन है भैया इनका, और क्या क्लासिक शॉट है, क्या क्लासिकल शॉट, बेशक छक्के लगाकर आप अपनी टीम को जिता दे लेकिन जब तक क्लासिकल बल्लेबाजी आप नहीं करेंगे आप राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर की श्रेणी में शामिल नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको क्लासिकल खेल दिखाना होगा जैसा कि राजेश सिंह ने आज दिखाया था। एक्शन एक लाजवाब करारा प्रहार है, शानदार चौका निकलता हुआ। आयोजन है, संबोधन इनका संबोधन चल रहा है, बुलबुल खान सभी मंच पे आसीन मुख्य अतिथियों का ये स्वागत कर रहे हैं। बुलबुल खान संबोधित कर रहे थे अभी, लाजवाब छक्का गौरव के बल्ले से निकलता हूँ। गौरव के लिए गेंद हल्के हाथों से पुश करते हुए एक रन, और गौरव पहुंचे कुल 12 पर, 4 गेंदे खेली हैं, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव। भागलपुर जोड़ के एक अच्छे प्लेयर रवि झा के आउट होने के बाद गौरव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, अगर गौरव आखिर तक बल्लेबाजी कर देते हैं तो यकीनी तौर पर इस मुकाबले को जीतते हुए फाइनल में प्रवेश करती है, कर सकती है सुल्तानगढ़ के एमएस की टीम। विशाल गेंदबाजी करते हुए राजा उनके सामने, गोविंद एक बार फिर से गौरव का शानदार छक्का निकलता हुआ। गौरव 18 पर चले गए हैं, रनों का आंकड़ा कुल 89 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नौ ओवर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यह बेहतरीन हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर, गौरव के बल्ले से एक और छक्का लगता हुआ, शानदार बल्लेबाजी गौरव की। एक बार फिर से एक लंबा शॉट, गौरव के बल्ले से शानदार छक्का निकलता हुआ, अंपायर का इशारा 6 रन का, ये कमाल है, ये लाजवाब है। और ये छक्का गौरव ने मारा है, उनके कंधे पर चढ़ के इशारा दे रहे हैं अंपायर। दिव्यंदु का इशारा 6 रनों का, ये लाजवाब है, ये सुपर है। ये अंपायर कहां जा रहा है, ये अंपायर का इशारा देखिए, 6 रनों का इशारा देने के लिए आ रहा है। दिव्यंदु अंपायर है ये, दुनिया का अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा, कहां से लाए ढूंढकर, अजूबा अजूबा अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा। से लगातार छक्कों की बारिश हो रही है। एक बार फिर से इजहार की गेंद के सामने बैकफुट पड़ा है और आखिरी वक्त में जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। रनों का कुल आंकड़ा 108 को चूमता हुआ, अब 98 रन और बनाने हैं जीतने के लिए, जबकि ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है 10वीं। बहुत ही अच्छा आंकड़ा ला दिया है। और जिस वक्त बल्लेबाजी हो रही थी फॉरबिसगंज की, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 109 रन और सुल्ताननगर के एमएस का स्कोर है 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं जानना चाहूंगा उनके विकेट्स कितने गिरे थे 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात, ये भी बताएं। दर्शक जानना चाहेंगे उनके ज़्यादा विकेट डाउन हो गए थे 10वीं ओवर तक। ये आंकड़ा निकाला जा रहा है, 6 विकेट उनके गिर गए थे और पहले ही अमीरुल भाई ने बता दिया था कि उनके 6 विकेट डाउन हो गए। इजहार ने अपना एंड बदला है, चीफ गेस्ट एंड की तरफ से गेंदबाजी करनी शुरू की है उन्होंने। पहली गेंद वाइड डाली गई, अंपायर का इशारा, अंपायर हैं दीपक जायसवाल फ्रॉम कटिहार एंड दिव्यंदु फ्रॉम बंगाल कोलकाता, दो दिग्गज वरिष्ठ अंपायर के बीच। और इस बार खेलने के प्रयास में बुरी तरह चूके, बाकी का काम विकेटकीपर ने पूरा किया। फील्ड की जो पोजीशन है, जो जमावट है, वो एक विकेटकीपर से स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लॉन्ग ऑन सिर्फ एक जी बिल्कुल डीप मिड विकेट, एक हल्के हाथों से गेंद डाल दी। और यहां पर भाग्यशाली रहे कि क्षेत्र रक्षक पीछे मौजूद थे, नहीं तो चौका निकल जाता। एक शॉट और यहां पे छक्का निकलता हुआ। एक 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 11वीं ओवर संपन्न हुई है। गौरव शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव, और राजा खेल रहे हैं 2 छक्के की मदद से 17 के अपने निजी योग पर। डॉट नहीं, ये वाइड फोर, 5 महत्वपूर्ण रन मिल गए। और एक और चौका, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। रनों का आंकड़ा 129। विशाल सिंह फॉर बॉल,
रिव्यू कैसे थर्ड अंपायर की तरफ LBW एक लाजवाब छक्का, पटरी पर गाड़ी लौट गई है। 133 रन बन गए हैं 12वीं ओवर में, यानी कि सुल्तानगर के MS क्लब की गाड़ी पटरी पर वापस लौटती हुई। 135 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी बिल्कुल, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गाड़ी धुक धुक चल रही है, लेकिन अब पटरी पर राजधानी एक्सप्रेस बढ़कर सुल्तानगर KMS की गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह गौरव की बल्लेबाजी, गौरव ने लाजवाब बल्लेबाजी की है 38 रन, और उसके साथ साथ राजा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनका साथ निभा रहे हैं। 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर है, रनों का आंकड़ा है 135 रन। और यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट में सचिन से जानना चाहूँगा, बहुत डाउन होता हुआ 8.88, 42 गेंदे शेष हैं। बहुत ही ज़्यादा उछाल थी गेंद में, बिल्कुल सही फैसला है सर के ऊपर से। एक तो गौरव 5 फीट 10 इंच लंबे हैं और उनके ऊपर से निकल गई गेंद। दीपक जायसवाल का इशारा वाइड का, अतिरिक्त शिवान के जरिए रनों का आंकड़ा 136 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 13th ओवर। यू आर वॉचिंग मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। एक ब्रेक थ्रू की तलाश कर रहे हैं गेंदबाज इजहार की, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब एक्शन है इनका। और एक्शन लाजवाब हो उससे कोई मतलब नहीं, गौरव रखते हैं और अपनी टीम के लिए गौरव बनकर उभरते हुए नज़र, निखरते हुए नज़र आ रहे हैं गौरव। इस छक्के की मदद से गौरव का स्कोर चला गया है कुल 45। सामना करेंगे गौरव, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इजहार की गेंद हेलीकॉप्टर चला है, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं। बहरहाल एक रन से संतोष करना पड़ेगा गौरव, उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे हैं और स्ट्राइकिंग एंड पर राजा बल्लेबाजी करेंगे। 29 पर गौरव हैं, 46 पर 18 गेंदों में 46 रन बनाकर गौरव बल्लेबाजी कर रहे हैं इजहार राजा के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ से माफ करेंगे, ओ माय गॉड, स्क्वायर लेग के ऊपर उछाला है, राजा ने गेंदबाज का बजा दिया बाजा। रोचक मुकाबला हो गया था, जब रवि आउट हुए थे तो लग रहा था कि आज सुल्तान नगर की गाड़ी पटरी पर नहीं लौटेगी, लेकिन गौरव की बेहतरीन बल्लेबाजी, राजा की शानदार बल्लेबाजी, ओ माय गॉड, 156 बने, जीतने के लिए 50 रन। इजहार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, जहां तलवार का काम था वहां तलवार भांज दे हैं और जहां सुई की जरूरत होती है वहां सुई की कारीगरी दिखा रहे हैं राजा और गौरव। अपनी टीम को गौरव के साथ राजा बनाने की कोशिश इन दोनों के द्वारा। मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक एक्शन में गेंद को उठाया और जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 157। 49 रनों की जरूरत, और बंधु मुझे जोड़ के बताएं कितनी गेंदे हैं, 42 गेंदों में 49 रनों की जरूरत, स्क्रीन पर देखिए, बताने की जरूरत नहीं। और बजाइए जोरदार तालियां रोमांचक मुकाबले के लिए। यू आर वॉचिंग मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुल्तानगर KMS क्लब इन लाइब्रेरी, होल एंड सोल वन एंड ओनली किंग खान बोल बोल खान। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जहां एक दबंग और रॉबिन हुड गरीबों के मसीहा रहते हैं बुलबुल खान, उन्हीं का लाजवाब आयोजन और उनके कार्यक्रम में कई
मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, विधायक और मेयर, डिस्ट्रिक्ट के चीफ, सारे लोग शामिल होते हैं प्रत्येक दिन। 42 गेंदों में 49 रन राजा। यहां पे अब एक ब्रेक थ्रू, यस यस यस, कहा भैया मैं दाएं भी देखता हूं, गाड़ी बाएं भी देखता हूं। अच्छा प्लेसमेंट, पॉइंट की जानिब खेलकर एक रन, 164। चारों तरफ खचाखच दर्शकों के भीड़ के बीच ये टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बहुत ही रोमांचक दौर में मुकाबला पहुंचता हुआ, आइए स्क्रीन की तरफ ही लेकर चलते हैं, यहीं से आप मुकाबला देखेंगे। अब डॉट बॉल, राजा अर्धशतक के करीब पहुंच चुके हैं और ये गौरव के बल्ले से शानदार छक्का, और इस छक्के की मदद से गौरव ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। गौरव का अर्धशतक पूरा होता हुआ, बुलबुल खान की तरफ से गौरव ने 20 रन, 20 गेंदों में 52 रन बनाए हैं, और बुलबुल खान की तरफ से ₹500 इनामी राशि की घोषणा हुई है। छत्तीस रन मात्र चाहिए जीतने के, कुल जीत की मुहाने, जीत के मुहाने पर खड़ी हो गई है सुल्तानगर केएमएस की टीम। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम ने हथियार डाल दिए हैं और एक तरफा मुकाबला लगने लगा था। छक्का गुड्डू खान 500, और इसी के साथ राजा खान का भी अर्धशतक पूरा होता हुआ, राजा खान का भी 50 रन पूरा होता हुआ, 55 रन बनाकर खेल रहे हैं 25 गेंदों पर, और अब जीतने के लिए काफ़ी करीबी। मैं बता दूं कि कितने जो रन हैं जीतने के लिए बनाने, वो अब मात्र 30। डॉट बॉल, एक और लंबा छक्का निकलता हुआ, जीत के बिल्कुल करीब जाती हुई सुल्तान, मात्र 24 रन चाहिए, बहुत पहले जीत जाएगी सुल्तान नगर की टीम, मुझे प्रतीत हो रहा है। चौबीस रनों की आवश्यकता है, ये ओवर नंबर 16 में शुरू है। गौरव के बल्ले से एक रन, गौरव पहुंचे कुल अपने 63 पर, और 63 रन बनाने के लिए मात्र 21 गेंदों का सामना किया है, 61 पर खेल रहे हैं। राजा खान शतक की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों की, 23 रन और चाहिए जीतने के लिए, और ये लपेटा है कौन, राजा खान के बल्ले से शानदार छक्का निकलता हुआ, जीत के बेहद करीब, 295 सिक्स अब तक लग चुके हैं। 17 रनों की और आवश्यकता, एक वक्त बिल्कुल गंवा चुकी थी गेंद, लेकिन 17 रनों की मात्र आवश्यकता है यहाँ पर जीतने के लिए। इस वाइड के जरिए रनों का आंकड़ा 190 को चूमता हुआ, 16 रनों की और दरकार है, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, निश्चित तौर पर जीत के बेहद करीब पहुंच चुके सुल्तानगर की टीम। और
और एक और छक्का राजा खान के बल्ले से निकलता हुआ 196 रन, 10 रनों की आवश्यकता जीतने। राजेश सिंह की शतकीय पारी आज बेकार चली जाएगी ऐसा मालूम हो रहा है, 10 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। और राजा खान का एक और छक्का, 200 रन पूरे हो गए, 202 रन, 4 रन जीतने के लिए और चाहिए, मात्र 4 रन के लिए, 4 रनों की आवश्यकता। ये देखिए कैसे छक्का लगा है राजा खान ताबड़तोड़ अंदाज में, 79 पर पहुंच गए, 79 पर राजा खान, 53 पर, 63 पर गौरव बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब पिछला विकेट गिरा था तो उस वक्त स्कोर था, पिछला विकेट जब गिरा था तो उस वक्त स्कोर मैं आपको बता देना चाहूंगा, 61 पर, 61 पर 4 विकेट गंवा चुकी थी और स्कोर है 202 रन, मात्र 4 रन की आवश्यकता जीतने के लिए, एक चौका फाइनल में पहुंचने के लिए सुल्तान नगर की टीम को एक चौके की आवश्यकता है। क्या करेंगे राजा खान यहाँ पे, जी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा गौरव के बल्ले से, शायद विनिंग शॉट देखने को मिले, 3 रनों की आवश्यकता। चारों तरफ दर्शकों की भारी भीड़ आप देखिए, आज स्थानीय टीम खेल रही है सुल्तान नगर की, और फारबिसगंज की तरफ से शतक जड़ा था, 115 रन बनाकर नाबाद रहे थे राजेश सिंह, इसके बावजूद उनकी टीम को आज हार का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि मात्र 3 रनों की आवश्यकता, 6 विकेट हाथों में शेष सुल्तान नगर के। 79 पर बल्लेबाजी राजा खान, 62 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव, और ये आखिरी समय, कुछ चीफ गेस्ट आए हैं उनसे मुलाकात करवाने के लिए, मैच को बीच में रोका गया है। ये बंगाल के सारे बड़े नेताओं का आगमन यहाँ पर हुआ है। उनका स्वागत किया जा रहा है जो बंगाल से मंत्रीगण आए हुए हैं, उनका स्वागत ढोल नगाड़े के साथ चारों तरफ ग्राउंड के घूमकर दर्शकों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं बड़े नेतागण हैं। इसमें खेल को रोका गया, इसकी सबसे बड़ी वजह कि बंगाल के बड़े नेताओं का आगमन हुआ है और पूरे ग्राउंड के बीच वो घूमकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं दर्शकों का। उनके साथ चल रहे हैं बुलबुल खान, केएमएस क्लब के सारे सदस्य, और ग्राउंड में चारों तरफ घूमते हुए ये देखिए मैं दिखाता हूँ कितने ज़्यादा संख्या में दर्शक यहाँ पे मौजूद हुए हैं, और ये आगे आगे ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत, और ये बिग स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा दें वो स्वागत उनका किया जा रहा है, और बिल्कुल हमारे सामने अब से ये गुजर रहे हैं, अपने स्क्रीन पर उन्हें मैं कैच कर रहा हूँ, बड़े नेतागण का आगमन और उनका स्वागत ढोल नगाड़े के साथ, बड़ा खूबसूरत ये आयोजन होता है भैया बंगाल के अंदर, ये देखकर बहुत खुशी हुई है। ये माइक पर है बुलबुल खान, ये चारों तरफ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बुलबुल खान, उनकी टोली, और ये चारों तरफ देखिए क्या आयोजन है, लाजवाब क्या स्वागत है, क्या आयोजन है, क्या माहौल है, ओ माय गॉड, ये भैया दिल गदगद हो गया पश्चिम बंगाल में ऐसे महान आयोजन देखकर। मैं ये अलग से कैप्चर कर रहा हूँ आप सबों के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितना शानदार आयोजन है, कितनी साज सज्जा है, कितना महान आयोजन है, और कैसे अदावत के साथ यहाँ पे स्वागत किए जाते हैं चीफ गेस्ट का। ओह कमाल है, कमाल है, कमाल है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं
अमीरुल भाई और हम दोनों मिलकर ये बांग्ला में और मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहा हूँ, आपको आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ, कहानियाँ बता रहा हूँ। बड़े बेहतरीन कोमल हृदय वाले हैं और जब भी पार्टी होती है तो मुझे अवश्य खोजना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी स्कोरिंग टीम सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे स्वागत समारोह संपन्न होता हुआ 3 रन जीतने के लिए बनाने हैं। और चलिए ये देखिए चारों तरफ तेजी से मैं दिखा रहा हूँ, दर्शकों की भीड़ गणमान्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए खेल को रोका गया है। मात्र 3 रन बनाने की आवश्यकता है और खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं दोनों टीम के कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को ख़त्म किया जाए। चलता हूँ बिग स्क्रीन की तरफ, जो चीफ गेस्ट हैं हमारे उन्हें आप देख रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। संबोधन बीच ग्राउंड से उनका हो रहा है, जो चीफ गेस्ट आए हैं 3 रन जीतने के लिए चाहिए। अब मैच थोड़े समय के लिए रुका हुआ है, मैं ग्राउंड दिखा दूं, खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो बचे हुए 3 रन हैं 203 का देखिए स्कोर दिखाया जा रहा है और जीतने के लिए 3 रन चाहिए। ढेर सारे ओवर्स बचे हुए हैं, 24 गेंदें अब शेष हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई है, चौथा विकेट गिर गया था, स्कोर था उस वक्त 61 और तब गौरव और राजा ने कमान संभालते हुए स्कोर पहुंचा दिया है कुल 203-4 पर। चलिए ये 3 रन बनाने की आवश्यकता, 3 रन चाहिए। राजा खान तैयार, प्रेम के हाथ में गेंद है, 3 रनों की आवश्यकता राजा खान। और यहां पर छक्के के साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है 6 विकेट से सुल्तान नगर केएमएस क्लब ने, इस मुकाबले को 6 विकेट से जीता है। शानदार बल्लेबाजी इस सूचना के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है सुल्तान नगर ने, सुल्तान नगर की टीम ने फाइनल में प्रवेश किए। 16 को ग्रैंड फिनाले होगा, उनका मुकाबला होगा कोलकाता के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, 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 शुक्रिया।